हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेंट ज्योमेट्री, जिसमें मैं आपको स्लोप के बारे में और चार थ्योरम्स के बारे में बताऊंगा। अब सबसे पहले स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। द स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इज अ रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स टू द डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स टू द डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। स्लोप को एम से नोट किया जाता है और एम का फॉर्मूला होता है वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। तो भाई ये तो हो गए काले अक्षर जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, तो मैंने क्या वैल्यूएशन किया। तो मान लीजिए मेरे पास एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है, और यहाँ पर इस प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होती हैं और इनसे लाइंस जाती रहती हैं। अब ये कह रहा है मान लो एक कोऑर्डिनेट है जिसका नाम एक्स वन वाई वन है, एक दूसरा कोऑर्डिनेट है जिसका नाम एक्स टू वाई टू है, हमने उनको नाम बी दे दिया और ए दे दिया ताकि हम लाइन को डिफाइन कर सकें। और अगर यहाँ से कोई लाइन जा रही है तो इसका मुझे अगर स्लोप निकालना है तो इस फॉर्मूला से आ सकता है। फॉर्मूला है वाई वन माइनस वाई टू डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स टू। मतलब ये कह रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। अगर आप बोलोगे कि सर हम वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन करें तो सेम आंसर आएगा। तो स्लोप का आप वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन भी लिख सकते हो, पर जनरली ये लिखा जाता है वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। अब हम स्लोप से रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ेंगे। पहला, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देयर स्लोप्स आर इक्वल। इसका मतलब एम वन और एम टू इक्वल होगा। अब मान लीजिए हमारे पास एक एक्सिस है, अगर दो लाइंस पैरेलल जा रही हैं, ये है लाइन वन और ये है लाइन टू। अब अगर मैं फॉर्मूला से इसका स्लोप निकालूं और इसका स्लोप निकालूं, डेफिनेटली अलग अलग कोऑर्डिनेट से जा रही है तो उनका स्लोप इक्वल मिलेगा, एम वन और एम टू इक्वल होंगे। मान लीजिए इसका स्लोप अगर टू है तो इसका स्लोप भी टू ही होगा, ये पहला रूल। दूसरा, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर टू इच अदर हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं, उस सिनेरियो में स्लोप्स इनवर्स होंगे विथ ऑपोजिट साइन, इनवर्स विथ ऑपोजिट साइन। कहना क्या चाहता है, मान लीजिए दो लाइंस ऐसी हैं, ये लाइन वन है और ये लाइन टू है, इनके स्लोप्स इक्वल होंगे, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है। अगर ऐसा सिनारियो है तो एम वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम टू होगा। मतलब मान लीजिए इस केस में एम वन अगर 4/5 है तो एम टू अभी 4/5 का इनवर्स होता है 5/4, और पॉजिटिव साइन है तो वो बन जाएगी नेगेटिव साइन। उसी तरीके से मान लीजिए एम वन मेरा है -2/3, तो एम टू हो जाएगा, अब बताइए क्या होना चाहिए, इनवर्स 2/3 का इनवर्स क्या होगा, करेक्ट 3/2, पर अब माइनस की जगह यहां आ जाएगा प्लस, तो इनवर्स विथ ऑपोजिट साइन। ये पहला पॉइंट है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। अब हम थ्योरम वन पे जाते हैं। थ्योरम वन कब लगता है, जब दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों तब थ्योरम वन लगता है। थ्योरम वन कहता है वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। अब अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लूं तो यहां पर एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन, यहां पर दूसरी पॉइंट है एक्स टू वाई टू, हमने नाम दे दिया ए और बी। और पूरे चैप्टर में दो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो पहले आपको ए देंगे, दूसरे को बी देंगे। अब मान लीजिए यहां से एक लाइन जा रही है और मुझे इस लाइन की लिनियरिटी निकालनी है, तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू से, तो मुझे इसका आंसर आ जाएगा, इस लाइन का लीनियर रिलेशनशिप पता चल जाएगा। उसी तरीके से थ्योरम टू कब लगता है, जब हमें एक कोऑर्डिनेट और स्लोप दिया गया हो, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये एक्स एक्सेस हैं और वाई एक्सेस हैं। अब मान लो मुझे एक ही पॉइंट दी गई है एक्स वन
Y1। अब आपको पता होना चाहिए इस पॉइंट से 360 डिग्रीज में लाइन जा सकती है। तो अगर मुझे लाइन निकालनी है तो डेफिनेटली यहां तो मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट चाहिए भाई। ये यहां है तो ऐसे जाएगी, यहां है तो ऐसे जाएगी, यहां तो मुझे स्लोप चाहिए। तो मान लीजिए मुझे आप स्लोप दे देते हो कि भाई इसका स्लोप ये है, तो मैं आपको लाइन निकाल के दूंगा इस फॉर्मूला से, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो ये हुआ थ्योरम 2। आते हैं थ्योरम 3 पर। अगर आप साथ साथ लिखते जाएंगे तो इजी रहेगा, आपको भी याद पड़ेगा। सिर्फ व्यू कर रहे हैं तो भी आपका चॉइस है। इट इज एप्लीकेबल व्हेन स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज गिवन। मतलब अगर आपको स्लोप एम और इंटरसेप्ट सी दिया हुआ हो तो ये थ्योरम 3 लगेगा, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इंटरसेप्ट सी ऑन वाई एक्सिस क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिए गए हैं, और इंटरसेप्ट सी यानी वाई पे कहीं कट कर रही है लाइन, तो उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट सी ऑन वाई एक्सिस, और ये पॉइंट होती है 0 C। अब मेरे को एक ही पॉइंट दी गई कि भाई वो वाई एक्सिस पे कट कर रही है कहीं, तो यहां से वापस वही रूल, 360 डिग्रीज में लाइन जाएंगी। अब 360 डिग्रीज में लाइन जाएंगी तो किस डायरेक्शन में लाइन जा रही है, स्लोप बताइए। तो अगर मुझे कोई स्लोप दे देगा एम, तो मैं लाइन ए बी ड्रॉ कर सकता हूं, अगर मुझे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस और स्लोप दिया गया हो। थ्योरम 4 पे आते हैं। ये एप्लीकेबल होता है जब इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस इज गिवन, तो वो होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये कहना चाहता है कि मान लीजिए मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और एक लाइन है जो दोनों एक्सिस पे कट कर रही है ऐसे, तो ये जो होता है वो होता है ए जीरो और ये होता है 0 B। तो इसकी भी हम लिनियरिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो अब हमारे को ये चार फॉर्मूला चैप्टर में है। पहला फॉर्मूला वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू, जब दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों। जब एक कोऑर्डिनेट और स्लोप दिया गया हो तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। जब हमें इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस और स्लोप दिया गया हो तो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और जब हमें दोनों इंटरसेप्ट दिए गए हों दोनों एक्सिस पर, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अब हम इन थ्योरम्स को प्रूव करेंगे, और ये 6 से 8 मार्क में आता है पक्का। चार थ्योरम्स हैं, उसमें से एक थ्योरम पक्का आएगा, तो प्लीज साथ साथ लिखते जाएं। अब प्रूफ है, तो सबसे पहले हम लोग एक क्लियर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हम वापस 9th और 10th स्टैंडर्ड में चले जाते हैं, जहाँ पे हम प्रूफ दैट्स करते थे। तो हमें ये थ्योरम 1 प्रूव करना है, दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमें लाइन निकालनी है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो पहले वाले का नाम ए है, दूसरे वाले का नाम बी है। अब ये लाइन हमें निकालनी है, ऐसा वो कह रहा है। अब सबसे पहले हम लोग जब हम थ्योरम लिखेंगे तो ये डायग्राम बना लेंगे जो करीब करीब 4 से 5 लाइन लेगा, उसके बाद आप प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ में पहला स्टेप लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स वी कैन ड्रॉ अ लाइन ए बी। दो कोऑर्डिनेट्स की मदद से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जो आपने अभी लाइन ड्रॉ कर ली। फिर अगर इस लाइन का स्लोप निकालना है, द स्लोप ऑफ लाइन ए बी कैन बी ऑब्टेंड एज एम वन इज इक्वल टू, मैंने बताया था स्लोप का फॉर्मूला, वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। एम का स्लोप है वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। यहां पर एक कोऑर्डिनेट पे हम एक्स और वाई डाल देते हैं, पॉइंट पी, एक्स और वाई डॉट डाल दिया, कहीं पर भी आप डॉट डाल सकते हैं। तो मैंने लिखा स्टेप टू में थ्योरम में, टेकिंग पॉइंट पी ऑन लाइन ए बी विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई वी गेट लाइन पी ए। अब हमें डेफिनेटली दो लाइन मिली है, एक पी ए बी है और एक पी बी भी है, तो मैंने आली फाली पी ए पे फोकस किया है। अब लाइन पी ए का स्लोप निकालना है, द स्लोप ऑफ लाइन पी ए। अगर मैंने बताया था स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है दो कोऑर्डिनेट्स वाई एक्सिस के डिवाइडेड बाय
डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सेस। तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। ये हो गई इक्वेशन टू। तो हमने पहले स्लोप निकाला ए बी का, फिर हमने स्लोप निकाला पी ए का, ठीक है, इसका स्लोप निकाला। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारी पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, ए पी और बी। तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा और वही इस लाइन का स्लोप होगा। तो ये हमें लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, एज ऑल द पॉइंट्स ए बी एंड पी लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, द स्लोप ऑफ लाइन ए बी विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन पी ए। मतलब एम वन और एम टू बराबर होंगे। अब एम वन क्या है हमारा, ये, और एम टू क्या है हमारा, ये। एम वन और एम टू बराबर होंगे क्योंकि एक ही लाइन पर है सारे पॉइंट्स। तो एम वन लिख दिया वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। बस ये हमारा प्रूफ हो गया। दस रिक्वायर्ड लाइन कैन बी ऑप्टेन बाय अबव फॉर्मूला व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। आप चेक करिए हमने जो थ्योरम वन का फॉर्मूला लिखा था और ये फॉर्मूला मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये प्रूफ दैट हो गया। अब हम आते हैं थ्योरम टू पर, प्रूफ ऑफ थ्योरम टू। अब थ्योरम टू कब लगता है, थ्योरम टू लगता है जब हमें एक ही कोऑर्डिनेट दिया गया हो और स्लोप दिया गया हो। तो मैंने बताया था पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे फोर फाइव लाइंस में, एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए, ये हम थ्योरम टू पढ़ रहे हैं, और वाई एक्सिस ड्रॉ करिए। अब मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, अब इस कोऑर्डिनेट से 360 डिग्री में लाइंस जा सकती हैं। तो भाई किस दिशा में लाइन जा रही है, तो आप मुझे स्लोप दे दीजिए। वही लिखा हुआ है कि स्लोप दिया गया है और आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है, अब स्लोप दिया गया है तो डेफिनेटली मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं और यहां से हमारा प्रूफ शुरू होगा। अब हम प्रूफ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लोप एम एंड वन कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन वी कैन ड्रॉ अ लाइन ए बी। स्लोप और कोऑर्डिनेट की मदद से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और आपने भी यहां पे ड्रॉ कर ली। अब हम इस लाइन पर एक पॉइंट पी लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होगा। तो हमने पॉइंट पी लिखा जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। स्टेप टू में ये लिखेंगे नाउ टेकिंग पॉइंट पी ऑन लाइन ए बी विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई वी गेट लाइन पी ए। अब स्लोप ऑफ लाइन पी ए विल बी, अब अगर आप स्लोप निकालने जाएं तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा एम वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। जैसे कि मैंने बताया था कि मान लो आपने एक पॉइंट ले ली एक्स वाई, तो स्लोप क्या होता है लाइन पी ए का, स्लोप क्या होगा, तो y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स वन, करेक्ट। ये स्लोप का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। अब एज ऑल द पॉइंट्स ए बी एंड पी लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये सेम स्ट्रेट लाइन पर है, तो पी ए का स्लोप और पूरी लाइन ए बी का स्लोप इक्वल है, ये समझने की बात है। तो द स्लोप ऑफ लाइन्स पी ए विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब पी ए का स्लोप है एम वन और ए बी का स्लोप हमें दे रखा है एम, तो मैं लिखूंगा एम वन इक्वल टू एम। अब एम वन है वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम। अब ये पूरा ब्रैकेट अगर ऊपर चला जाएगा तो एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यही हमारा थ्योरम है, थ्योरम टू। दस रिक्वायर्ड लाइन कैन बी ऑब्टेन बाय अबव फॉर्मूला व्हेन वन कोऑर्डिनेट एंड स्लोप इज गिवन। तो ये हो गया थ्योरम टू। अब हम जाते हैं थ्योरम थ्री पर। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिव द मीनिंग ऑफ एम एंड सी एंड ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और ऑल्सो स्टेट द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस लाइन व्हेन इट पासेस थ्रू ओरिजिन।
अब m रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ लाइन और c रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो मान लीजिए आप एक डायग्राम ड्रॉ करिए 5 लाइंस का, यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस लिखेंगे। अब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या होता है, बिल्कुल सही, y एक्सिस को कहीं वो कट कर रही है जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0 c, जिसका नाम दे दिया a। अब इससे 360 डिग्रीज में लाइंस जा सकती हैं, द लाइंस विल मूव इन 360 डिग्री, सो यू नीड टू नो अ स्लोप ऑफ द लाइन। तो अगर आप स्लोप ऑफ द लाइन दिया गया है जो m है इस सम में, तो आप एक डेफिनेटली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसका नाम लाइन ए बी हमने रखा है। अब हमें इसको प्रूव करना है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आप निकाल सकते हो। तो प्रूफ लिखेंगे डायग्राम के बाद, विद द हेल्प ऑफ स्लोप m एंड इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस वी कैन ड्रॉ अ लाइन ए बी, जो आपने लाइन ड्रॉ कर लिया ये, और हमें इसका स्लोप दिया गया है, द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एम, जो हमें दिया गया है। अब आप पॉइंट पी लेंगे लाइन ए बी पर जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा, और हम लोग लाइन निकालेंगे पी ए। अब यहां पे आप एक कोऑर्डिनेट ले लीजिए पी, और उसका है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, हमें पता नहीं है। तो स्लोप ऑफ लाइन पी ए will be, the slope of line PA will be m1 equal to y minus c upon x minus 0। अब आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ हो गई, y minus y1 अपॉन x minus x1 होता है, तो भाई वही लगाया है y minus y1 डिवाइडेड बाय x minus x1, y minus y1 ही लगाया है, y minus, राइट, ठीक है, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, तो वही लगाया है y minus c upon x minus 0। वैसे स्लोप का फॉर्मूला होता है y1 minus y2 upon x1 minus x2। अब क्योंकि सारी पॉइंट्स सेम लाइन पर हैं, तो पी ए का स्लोप और ए बी का स्लोप इक्वल होगा, तो m1 विल बी इक्वल टू m2, मतलब ये इक्वल हो जाएगा इसके y minus c upon x minus 0 will be equal to m। अब ये पूरा ब्रैकेट ऊपर जाएगा, अब m जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो mx हो जाएगा, m जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा y minus c is equals to mx, क्योंकि m जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू, अगर इस माइनस सी को मैं इक्वल टू के इधर ले जाता हूं तो हो जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू mx plus c, और ये हमारा थ्योरम 3 है, हमें ये लाइन लिखनी है। ये 8 मार्क का थ्योरम है, कोई भी एक थ्योरम आएगा 6 से 8 मार्क। दस रिक्वायर्ड लाइन कैन बी ऑप्टेन बाय अबव फॉर्मूला व्हेन द स्लोप m एंड इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस इज गिवन। अब इस समय वो एक और बात हमसे पूछ रहा है कि स्टेट करिए लाइन जो ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन मतलब ये यहां से पास हो रही है, इसको भी ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन से यहां से पास हो रही है, करेक्ट। अब ओरिजिन से भी 360 डिग्री में लाइंस जा सकती हैं, किधर भी लाइंस जा सकती हैं, तो वो लाइन निकालिए। तो हम लिखेंगे व्हेन लाइन पासेस फ्रॉम ओरिजिन इट्स इंटरसेप्ट सी ऑन वाई एक्सिस इज 0, वाई एक्सिस पे 0 होगा, करेक्ट। तो रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो है ही नहीं, सी तो 0 है, तो y इज इक्वल टू mx, जो स्लोप होगा उस हिसाब से वो लाइन होगी y इज इक्वल टू mx। अब हम आते हैं थ्योरम 4, लास्ट थ्योरम, जब इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस हमें दिए गए हों, जब इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और y एक्सिस दिए गए हों तब हम कैसे इक्वेशन निकालें। तो मान लीजिए ये x एक्सिस पे एक पॉइंट है a0 और y एक्सिस पे एक पॉइंट है 0 b, और हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। अब सबसे पहले हमने ये 4 5 लाइंस में ये ड्रॉ कर लिया, अब हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरसेप्ट ए एंड बी वी कैन ड्रॉ अ लाइन ए बी, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसका नाम हमने ए बी दे दिया। अब अगर इसका स्लोप निकालना है तो द स्लोप ऑफ लाइन ए बी विल बी m1 इक्वल टू y1 minus y2 upon x1 minus x2, ये एक प्रूवन फैक्ट है, y1 minus y2। नाउ व्हाट इज y1,
वाई वन इज जीरो माइनस वाई टू, जीरो माइनस बी वाई वन माइनस वाई टू, जीरो माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स टू। अब ए माइनस जीरो, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, जीरो माइनस बी इज माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस जीरो इज ए, तो आपने ये लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? स्लोप ऑफ लाइन ए बी वाई वन माइनस वाई टू डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स टू। अब आप क्या करोगे, आपने तीन थ्योरम कर लिए हैं, सेम लाइन लिख रहे हैं हम, पी पॉइंट लेंगे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई लाइन ए बी पर, तो हमें लाइन, वैसे मैं पी ए लिखता हूँ, इस बार मैंने पी बी लिखा है, राइट? आप पी ए से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, जस्ट फॉर अ चेंज, राइट? तो लाइन पी बी, लाइन पी बी। अब सबसे पहले मैंने पॉइंट डाल दिया एक्स वाई, अब मुझे लाइन पी बी देखना है, करेक्ट? अब पी बी का स्लोप निकालना है, द स्लोप ऑफ लाइन पी बी विल बी एम टू इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस बी, वाई माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जीरो। अगर आप लाइन पी ए लेते तो वाई माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए होता, उससे भी आंसर सेम आता, पर हमने फॉर अ चेंज इस बार पी बी को बेस रखा है, तो उसका स्लोप ये हो गया। अब क्योंकि सारी पॉइंट्स सेम लाइन पर हैं तो एम वन और एम टू इक्वल होगा, ये हमें लिखना है। अच्छा, एम टू को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा वाई माइनस बी अपॉन सिर्फ एक्स, क्योंकि जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया इक्वेशन टू। अब क्योंकि सारी पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन पी बी, एम वन इक्वल टू एम टू। तो एम वन क्या था, माइनस बी अपॉन ए, देखिए एम वन आपने अभी भी निकाला था, माइनस बी अपॉन ए। एम टू क्या है, एम टू क्या है, एम टू है वाई माइनस बी अपॉन एक्स, एम टू है वाई माइनस बी अपॉन एक्स, साथ साथ लिखते जाएंगे, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। अब हम ए को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस ए बी। अब मैं माइनस ए बी को पॉजिटिव रखता हूँ, इस साइड ले आता हूँ और इसको यहां ले जाता हूं, तो ए बी इज इक्वल टू बी एक्स, क्योंकि ये माइनस बी है, इक्वल टू इधर चला जाएगा तो बी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा प्लस ए वाई। अब ए बी डिवाइड होगा दोनों से, बी से भी और ए से भी, करेक्ट? दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे वन आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी। अब अगर आप देखें तो काटापिटी करें तो बी बी कट हो रहा है, यहां ए ए कट हो रहा है, तो रिजल्ट क्या बचा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू वन। अब ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दस रिक्वायर्ड लाइन कैन बी ऑब्टेन बाय अबव फॉर्मूला व्हेन इंटरसेप्शन बोथ एक्स आर गिवन। प्लीज गो थ्रू दिस एंड राइट इट ट्वाइस और थ्राइस बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन। इनमें से एक थ्योरम आएगा पक्का है ना, मोदी की गारंटी है, ऐसे समझ लो, ये इनमें से एक थ्योरम पक्का आएगा इन चार थ्योरम में से,